वाराणसी में आज नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के 100 दिन पूरे होने पर एक गोष्ठी आर्थिक सुधार के 100 दिन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू ने जीएसटी को व्यापारियों का अचूक हथियार बताते हुए कहा, जिस प्रकार से जीएसटी के चर्चा प्रारंभ हुई, जिस प्रकार से चर्चा जीएसटी के कुछ विरोधियों ने चर्चा शुरू की, उन सभी पर न जाते हुए मैं सिर्फ इसके कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जो समाज के विकास विरोधी तत्व है वो इसके मूल आत्मा का विरोध कर रहे हैं। और जबकि सत्य यह है कि 16 वर्ष पूर्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना को दिन रात एक करके अथक प्रयास करके इसको आदरणीय मोदी जी ने इसको लागू करने का साहस किया। हमें जीएसटी में कोई कमी नहीं दी थी, केवल इसके कंप्लायंस में कहीं कहीं कुछ दिक्कतें हैं। आज मुझे इस उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होना, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई भी दूंगा और जो भी आपने कमी कुछ भी बताई है, जब हमारे सर्वोच्च नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद यह कहा है कि सुधार की जितनी भी गुंजाइश होगी वो अभी समाप्त नहीं हुई है, सुधार आगे भी जारी रहेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बताया नहीं गया। जो बातें यहां पर आप सबके माध्यम से उठाई गई उसको भी ध्यान में रखेंगे और भी आप उनकी व्यवहारिक पक्ष, आप रोज जो समस्या आती है, जो समस्या आती है उससे रोज आपको सामना करना पड़ता है, उसके कारण वक्त की कठिनाई क्या है, इससे आप हमें अवगत करा सकते हैं हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे माननीय विधायकों के माध्यम से, हमारे माननीय मंत्रियों के माध्यम से। और यह आश्वासन है, मैं देशभक्त कहूं या कौन कौन से भक्ति के इतनी उपाधियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि आप देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को कमजोर नहीं बनाना चाहते, आप जीएसटी का स्वागत करना चाहते हैं, जीएसटी का विरोध नहीं करना चाहते। जीएसटी के कारण जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाए, अभी आपकी अपेक्षा है। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी जो भी समस्या ऐसी सामने आती है, वो समस्याएं हैं वो आगे जाकर बढ़ोगी, उस समस्या को लेकर के भी सरकार गंभीर है।